तो भूपेश बघेल ने अपने अपने चेहरे को इतना बड़ा कर लिया कि भाजपा कंफ्यूज हो गई। जो उत्साह देखा जा रहा है ना सिर्फ छत्तीसगढ़ एमपी राजस्थान तीनों ही राज्यों में, एक सरप्राइज थ्रो किया आदिवासी मुख्यमंत्री। अगर हम, क्योंकि आप राजनीति जो है यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स अच्छे से समझते हैं, क्या मायने है आदिवासी मुख्यमंत्री, ये ब्रांडिंग तो खूब देख रहे हैं, क्या मायने है इसके? देखिए, निश्चित तौर पे काफ़ी कयासों के बाद ये नाम तय हो पाया, क्योंकि चार पांच नाम तय रहे थे सीएम के नाम पे, जैसे ही मैंडेट में आया, परिणाम घोषित हुए और ये फुल मेजोरिटी के साथ भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, तो ये तब से ही नाम चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में। देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना ना 2000 में, तब से ये डिमांड होती रही कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए। इसको लेकर राजनीतिक दल और जो राजनीतिक नेता हैं, इसको लेकर मुखर थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि जो पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, वो भी आदिवासी थे, लेकिन उनका जो जाति का मामला तो वो विवादों में रहा, तो जाति जो आदिवासी वर्ग खुद नहीं मानता कि वो आदिवासी सीएम थे। उसके बाद बने डॉक्टर रमन सिंह, वो जनरल कास्ट से आते हैं। उसके बाद 15 सालों के बाद कांग्रेस की सरकार आई 2000 में और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस का काफ़ी खींचतान चला मुख्यमंत्री को लेकर। अंततः जब भूपेश बघेल को मुहर लगी, तो भूपेश बघेल ने अपना एक जो ब्रांड है वो इस्टेब्लिश करने में सक्सेस हो गए और वहीं से शुरू हुई ओबीसी बनाम आदिवासी की। तो भूपेश बघेल ने अपने अपने चेहरे को इतना बड़ा कर लिया कि भाजपा कंफ्यूज हो गई कि छत्तीसगढ़ में आखिर किस चेहरे पे अपन पॉलिटिक्स करें और यहाँ का जो मुखिया होगा कौन होगा। तब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जब इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो एसटी वर्ग से आते थे, लेकिन जब भूपेश बघेल की राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस की सत्ता आई, तो यहाँ पे ओबीसी वर्ग को लेकर राजनीति बढ़ गई। तो भाजपा ने भी इस रणनीति में बदलाव किया और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष, आज के मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे विष्णुदेव साय, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आदिवासी दिवस के दिन ही भाजपा ने निर्णय लिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर यहाँ पे अरुण साहू, जो कि बिलासपुर से सांसद थे, उनको अध्यक्ष बना दिया। तो निश्चित तौर पे जो उसको ऐसा समझा गया कि कांग्रेस को बीट करने के लिए, बैटल के लिए उन्होंने ओबीसी वर्ग को उतारा। बट मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ छत्तीसगढ़ में 90 में 29 सीटें ओबीसी की हैं, 10 सीटें एसटी की हैं, और जनरल की सीटें भले ही ज़्यादा हो, पर वहाँ पर निर्णायक की भूमिका में एसटी वोटर हमेशा से रहते हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं सामान्य सीट होने के बाद भी वहाँ पे जो कैंडिडेट उतारती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, वहाँ पे एसटी कैंडिडेट उतारती हैं। तो ये भाजपा ने वो रणनीति बनाई कि आपको ये भी लगता है कि ये जो रणनीति है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 2024 के मद्देनजर भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है? मैं वहीं पे आ रहा था, जो एसटी इन्होंने खेला। देखिए, भाजपा की चुनाव का जो लड़ने का तरीका है वो सबसे डिफरेंट होता है। वो उसने 2023 की प्लानिंग जब चुनाव से पहले की, लेकिन जैसे ही परिणाम आए उनका जो मिशन हो गया 2024 हो गया, उनका फोकस हो गया 2023 नहीं, हमको वो चेहरा चाहिए जो 2024 के लिए कारगर है। तो देश में एसटी की लोकसभा सीटें बात करें तो 47 सीटें एसटी की आती हैं, तो निश्चित तौर पे अब वो झारखंड में असर करेगा, क्योंकि सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय आते हैं और वो झारखंड से लगा हुआ सीमा है। तो आप कह सकती हैं ये मैसेज देने का काम किया है बीजेपी ने कि एसटी वर्गों को मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ की 32% आबादी को अपने पक्ष में किया, उसके बाद जो 47 सीटें हैं लोकसभा की उस पर फोकस किया है। तो निश्चित तौर पे जो ये इन्होंने डिसाइड किया मुख्यमंत्री का चेहरा, और उसके पीछे की जो कारण है वो एक है कि इनके पास लंबा अनुभव है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का अनुभव इनके पास है और संगठन चलाने के बड़ा तजुर्बा है इनके पास। और उसके बाद एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये रहा कि सबसे बड़े चेहरे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुराने चेहरे और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये कयास लगाए जाते थे कि क्या सीएमओ हो सकते हैं, तो यहीं से वो संकेत गया कि पुराने चेहरे रिपीट नहीं होंगे। तो रमन सिंह साइड हुए, उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसे हुए, राजस्थान में भी कल उन्होंने संदेश दे दिया। तो निश्चित तौर पे उन्होंने मैसेज दिया, ना पूर्व सीएम बनेंगे ना प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको ये परंपरा तोड़नी थी, वो परंपरा टूट गई। और उन्होंने तीनों जगह पे, आपने देखा होगा, कास्ट वाइज उन्होंने सेट किया एसटी ओबीसी समान। सीएम, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम को लेकर तो काफी चर्चाएं हैं, बातें हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर क्या चर्चा है ये आप बताइए, आप जानते हैं कुछ अंदर की बात भी जानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ना जिस तरह से कैंडिडेट उतारा गया 2023 में, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए,
90 में ना 48 कैंडिडेट एकदम नए उतारे, और उसके बाद पूर्व रमन सिंह के जो कैबिनेट के चेहरे थे और जो पुराने बड़े चेहरे थे उन सभी को उन्होंने मैदान में उतारा, और दोनों चेहरे मिलाकर इनके 54 सीटें जीत के आ गए। तो आप कह सकते हैं अनुभव के साथ साथ नए चेहरे आ गए जीत के पर्याप्त मात्रा में, और कह सकते हैं वो नए चेहरों ने ऐसा कमाल किया कि कांग्रेस के डिप्टी सीएम जैसे पद में रहे जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावे थे 5 साल टीएस सिंह, वो चुनाव हार गए। तो भाजपा में अब से ये मैसेज आया जब विष्णुदेव साय को सीएम बनाया कि हो सकता है अब जो मंत्रिमंडल जो होगा, क्योंकि 12 सीटों का यहाँ पे मंत्रिमंडल है तो बहुत ज़्यादा चेहरे की शामिल करने की संभावना है नहीं, तो कल तक जो ऑफिशियल इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया कि मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री ये लोग शपथ लेंगे, लेकिन कल रात में बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चली देर रात तक विधायकों में, और जो अंदर से खबरें आई वो ऐसा आया कि पुराने चेहरों को अधिकतर साइड करने की जानकारी आई, तो वहाँ पे पुराने चेहरे और नए चेहरों को लेकर टकराव शुरू हो गई, और वह यही कारण है कि ये जो आज होना था, मुझे लगता है ये मंत्रिमंडल का जो शपथ होना था वो टल गया है। मतलब अगर हम बात करें तीनों राज्यों की भी बात कर लें या फिर और भी हमने राज्य देखे हैं जहाँ पर सरप्राइज जो है आया है, या फिर राष्ट्रपति के जब नाम आया उसकी बात कर ले, तो कहीं ना कहीं हम्बल बिगनिंग्स जो होती है या फिर जमीन से जुड़ी हुई शुरुआत ऐसा दिखाने की लगातार कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की भी खुद की कहानी इस तरीके से रही, लगता है कि वो प्रभाव छोड़ पाती है लोगों पर? देखिए निश्चित तौर पे भाजपा ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया कर्नाटक चुनाव से, वहाँ पे उन्होंने क्या किया पूरे सीनियर लीडरशिप को साइड कर दिया, नए चेहरे पूरे मैदान में उतार दिए, लेकिन उसका फायदा वहाँ पे मिला नहीं उन्हें। उसके बाद तत्काल वहाँ पे छत्तीसगढ़ के चुनाव आ गए, तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने कर्नाटक को देखा कि जब हमने प्राइम लीडर को जो पुराने चेहरे को साइड किया तो वहाँ पे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उन्होंने पूरे पुराने चेहरे लिए, और जैसा कि भाजपा के रणनीतिकार कहे जाते हैं ओम माथुर, उनका एक रिकॉर्ड है वो जिस राज्य में भी प्रभारी बने हैं वो सत्ता बनवा के आए हैं, तो उन्होंने ये यहाँ भी साबित कर दिया। तो उन्होंने बैलेंस रखा पुराने चेहरे और नए चेहरे, तो ये भी हो गया कि हमने अनुभवों को किनारे नहीं किया, नए को मौका दे दिया, और पूरे 5 साल जब भूपेश बघेल सरकार थी तो आप कह सकती हैं कि भाजपा यहाँ अपने विपक्ष की भूमिका के लिए एक प्रभावशाली चेहरे को जूझती नजर आई। तो अब चेहरा तैयार हुआ भूपेश बघेल का, वो सत्ता में आए तब, तो अब ये सत्ता आ गई तो भाजपा के लिए आप कह सकती हैं कि सत्ता में आने के बाद वो अब नए चेहरे तैयार कर रही है कि जो उसे 2018 से 2023 के बीच में चेहरे बनाने को तक सेकेंड लाइन तैयार करने में परेशानी गई, अब ये समय आ गया है, तो मुझे लगता है कि 2023 का जो मेजोरिटी मैंडेट मिला है उसे वो इसमें काम कर रही है और सेकेंड लाइन को तैयार कर रही है।